हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एनजे स्टडी पॉइंट में दोस्तों आज हम आप आपके ले, लिए ले लेकर आए हैं रीजनिंग की कुछ मतलब कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जो मैंने अक्षरों का श्रम संबंध अक्षरों का श्रम संबंध का मतलब क्या है दोस्तों यानी कि इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट हैं उनको मतलब उनको किस किस एक, एक अनुपात से जोड़ जोड़ते हैं इनको और इसके आधार पर एक पैटर्न तैयार किया जाता है उसके आधार पर एक रीजनिंग तैयार होती है ठीक है जो कि एनोलॉजी के अंतर्गत आता है अब सबसे पहले इसके लिए क्या जरूरी है दोस्तों हम सबसे पहले ए टू जेड सबसे सबकी एक साथ एक, एक, एक काउंट लिख देते हैं जैसे वन ए के साथ वन बी के साथ टू सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी क्यू वी डब्लू एक्स वाई और जेड ठीक है अब आप इसके साथ काउंट लीजिए छब्बीस पच्चीस चौबीस तीस बाईस इक्कीस ठीक है और बीस टी फोर ट्वेंटी होता है ट्वेंटी बीस आप उसे याद रखिए बीस उन्नीस अठारह सत्रह सोलह पंद्रह चौदह तेरह बारह ग्यारह दस नौ आठ सात छ पाँच चार तीन दोस्तों एक चीज बता दूं मैं आपको अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एस एस सी की कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर आप पेपर दे रहे हैं तो उसमें एक एक जगह पे कहीं पे भी इसको आप लिख दीजिएगा क्योंकि इससे आपका एक तो बाद में टाइम बच जाएगा ठीक है और दूसरा आपका सवाल का बिल्कुल सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ठीक है हम इसमें एक एक क्वेश्चन को करते हैं जैसे पहला क्वेश्चन जो है इसका पहला जो क्वेश्चन है इसका ये देखिए दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है इसमें ये है दोस्तों पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है ए बी सी डी ठीक है ए बी सी डी ठीक है ए बी सी डी अनुपात में है के एल एम एन के एल एम एन और ठीक है डी के साथ ई भी है ए बी सी डी ई और अनुपात ठीक है और दूसरा जो है समानुपात में इसके वो है हमारा एफ जी एच आई जे ठीक है अब देखिए आपको इसमें कौन सा पैटर्न मिलेगा कोई ना कोई पैटर्न मिलेगा आपको तो दो, दो, दोस्तों आप जिस भी स्थान पे जो गिनती आ जो रहा है उसको नोट कर लीजिएगा ए के ऊपर वन बी के ऊपर टू थ्री फोर फाइव सिक्स तक ठीक है और के, 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 के पास क्या आ रहा है के जो हमारा ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह अगर दोस्तों देखा जाए तो ए और के के बीच में कितने का डिफरेंस है दस का और बी और बी और एल के बीच में दस का यानी कि प्लस प्लस दस हर उसमें है यानी कि अगर हम इसमें भी ऐसे वैसा पैटर्न ढूंढें यानी कि एफ़ के जस्ट जो दस बाद आएगा वो पहला इसमें होगा तो एफ यानी कि एफ कितने पे है एफ है दोस्तों हमारे पास सिक्स पे तो सिक्स यानी कि सिक्स प्लस टेन यानी कि सिक्सटीन जी जी का मतलब से, सेवन ठीक है और सेवनटीन इस प्रकार एटीन और नाइनटीन ठीक है अब देखी जाए तो सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन पे जो होगा हमारा सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइन्टीन यानी कि पी क्यू आर एस तो पी क्यू आर एस जो हमारा है पी क्यू आर एस वो हमारा क्या होगा सही होगा तो इसमें जो है पहला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों ये देखिए ये हमारे एस एस सी स्टेनोग्राफर इस्ट्रे, के एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है ठीक है नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों ए जेड एक्स जेड सी एक्स ए जेड सी एक्स ठीक है बी वाई डी डब्लू बी वाई डी डब्ल्यू ठीक है इस प्रकार से है एच क्यू जे ओ ठीक है अब आप इसमें देखिए ए बी ठीक है ए बी यानी कि प्लस वन जेड वाई यानि कि माइनस वन सी डी मतलब प्लस वन एक्स डब्लू यानी कि माइनस वन ठीक है यानी कि ए पहले एक बढ़ा रखा है इसके इससे ए और बी के बीच प्लस वन है जेड और वाई के बीच माइनस वन है सी और यानी कि इस प्रकार का पैटर्न अगर देखा जाए तो प्लस प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन इस प्रकार का है ठीक तो तो है तो यहाँ भी ऐसा ही होगा एच ठीक है एच से ए कम एच कितने पे एट पे तो सेवन वाला जी एच ए बी सॉरी ए बी प्लस पहले प्लस है तो एच यहाँ एच के बाद आई क्यू से पहले क्यू से पहले क्या आएगा दोस्तों पी तो पी जे से पहले जे के बाद एक पहला एक बाद एक पहला एक, एक बाद जे के बाद जे के बाद हमारा आएगा के ठीक है दोस्तों और ओब से पहले एन यानी कि एक जोड़ना एक घटाना एक जोड़ना एक घटाना ठीक है तो आई पी के एन तो इसमें जो सेकंड वाला उस सी वाला जो है आई पी के एन हमारा सही आंसर है ठीक है अगला हम बात करते हैं तीसरे जो क्वेश्चन है इसमें ये हमारा एस एस सी लेवल एग्ज़ाम दो हज़ार चौदह का क्वेश्चन है तो जैसे पहला है इसमें एच जे एल एन एच जे एल एन ठीक है और पी आर टी बी पी आर टी बी ठीक है और इसके समानुपात में है बी डी बी डी एफ एच और क्वेश्चन मार्क ठीक है अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा देखिए दोस्तों इसमें जो है अब देखिए आप फिर से गिनती लिखिए इन सब की गिनती लिखिए ठीक है एच की गिनती एच की गिनती एच के साथ कौन सी काउंट चलेगी एच के साथ हमारी चलेगी एट ठीक है जे के साथ नाइन टेन एच ठीक है एट नाइन टेन और के यानी कि ग्यारह ठीक है पी आर टीवी पी कितने पे पी सोलह पे ये सोलह हो गया ये सत्रह हो गया आर सॉरी नो जे सॉरी जे है दस पे एल है बारह पे और एन है हमारा चौदह पे दो आठ दस बारह चौदह दोस्तों यहाँ देख लीजिएगा और पी है पी आर टी वी है सोलह अठारह बीस और बाईस पे ठीक है अगर देखा जाए तो इसके बीच जो डिफरेंस है आठ दूना सोलह ठीक है दस आठ अठारह बारह आठ बीस चौदह आठ बाईस यानी कि हर इसके अंतर्गत किस किस प्रकार का पैटर्न मिलता है हमें प्लस आठ प्लस आठ प्लस आठ और प्लस आठ इस प्रकार का पैटर्न मिलता है हमें तो इसमें भी यही करिए बी के बाद जस्ट आठ बी के बाद आठों नंबर पे कौन आएगा तो बी हमारा सेकंड नंबर पे है और इससे आठ नंबर आगे क्या आएगा तो बी जो हमारा सेकंड पे है ना बी के बाद सेकंड पे हमारा आ जाएगा जे ठीक है जे डी के बाद आठवें नंबर पे हमारा यानी कि डी जो हमारा फोर पे है फोर प्लस एट यानी कि ट्वेल्व तो जे एल ठीक है और इसी प्रकार F के बाद N और H के बाद P तो यानी कि जे एल एन पी जे एल एन पी ये वाला ऑप्शन हमारा सही है बात करते हैं चौथा चौथा जो क्वेश्चन है चौथा जो क्वेश्चन है ए सी ई जी ए सी ई जी और जे एल एन पी जे एल एन पी बी डी एफ एच ठीक है और आगे क्वेश्चन मार्क ठीक है तो इसमें क्या आएगा देखिए ये है हमारा ए जे ठीक है अगर बात करें इसकी सब की संख्या काउंट लिखते हैं तो ये होता है वन ये होता है थ्री ये होता है फाइव और ये होता है सेवन और जे एल एन पी में देखिए जे में हमारा है जे हमारा है दस एल बारह चौदह और सोलह ठीक है अब देखिए आप यहाँ पे पैटर्न अगर ढूंढते हैं आप तो ये होता है वन प्लस वन प्लस नाइन यानी टेन थ्री प्लस नाइन यानी ट्वेल्व फाइव प्लस नाइन यानी कि फोर्टीन सेवन प्लस नाइन यानी कि सिक्सटीन यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्लस नाइन का पैटर्न बनता है ठीक है अब आप ये है बी टू डी का फोर एफ का सिक्स और एच का एट यानी कि टू फोर एट सिक्स अब देखिए इसमें प्लस टू यानी कि इलेवन सॉरी टू में प्लस नाइन इलेवन जैसे इलेवन नाइन यहाँ प्लस है फोर में नाइन जोड़ा तो कितना हुआ थर्टीन यहाँ पे फिफ्टीन फिर एट प्लस नाइन सेवनटीन यानी कि जिसका क्रम तेरह ग्यारह पंद्रह सत्रह तेरह एम सॉरी ग्यारह से है नाइन ग्यारह पे हमारा के के तेरह पे हमारा एम के एम पंद्रह पे ओ सत्रह पे क्यू के एम एन के एम ओ क्यू यानी कि ये वाला ऑप्शन ऑप्शन जो हमारा सही है ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं पांचों क्वेश्चन की पांचों जो क्वेश्चन है हमारा पांचों क्वेश्चन हमारा इस टाइप का कुछ देखिए बी पी टी एफ बी पी टी एफ अनुपात में है ई एस डब्ल्यू आई के ई एस डब्ल्यू आई के ठीक है और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे जी डी आर वाई ठीक है दोस्तों अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर हम फिर वही करते हैं सबकी वो लिखते हैं संख्याएं लिखते हैं ठीक है बी का मतलब है टू पी का मतलब है पी का मतलब है दोस्तों यहाँ पे पी सोलह ठीक है टी का मतलब है बीस और एफ का मतलब है सिक्स ठीक है दोस्तों और यहाँ पे ई e का मतलब कितना है पांच एस का मतलब उन्नीस डब्ल्यू का मतलब तेईस और आई का मतलब है नाइन ठीक है अब देखिए यहाँ से देखिए फाइव माइनस थ्री यानी कि टू उन्नीस माइनस थ्री यानी कि सिक्सटीन ठीक है तेईस माइनस थ्री यानी कि ट्वेंटी और इसी प्रकार नाइन माइनस थ्री यानी कि सिक्स अगर देखा जाए तो इसमें माइनस थ्री है पीछे वाले से आगे क्योंकि हमें यहाँ वाला नोट करना है तो जी जो हमारा है जी हमारा आता है देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए जी हमारा आता है सेवन इसी प्रकार डी हमारा आता है फोर पे आर हमारा आता है अट्ठारह पे और वाई हमारा आता है पच्चीस पे अगर इसमें तीन तीन माइनस करते हैं तो फोर की जगह सेवन की जगह फोर थ्री की जगह सॉरी फोर की जगह वन एट अठारह की जगह पंद्रह और पच्चीस की जगह बाईस हो जाएगा ठीक है अब देखिए चार बारह चार एक पंद्रह बाईस यानी कि चार ये एक पंद्रह और बाईस यानी कि डी ए ओ, वी यानी कि हमारा जो है बी वाला ऑप्शन है ये सही है ठीक है अब बात करते हैं हम छठा जो क्वेश्चन है इसमें छठा जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें क्या करना आपको छठा क्वेश्चन है डी जी एल एस ए डी आई पी सी एफ के आर फिर क्वेश्चन मार्क ठीक है छठा जो क्वेश्चन है तो इसमें देखिए अगर आप सबकी डिजिट लिखते हैं ठीक है तो डी का मतलब फोर जी का मतलब सेवन एल का मतलब है दोस्तों बारह और एस का मतलब है उन्नीस ए का मतलब वन डी का मतलब फोर आई का मतलब नाइन पी का मतलब 16, और इसी प्रकार यहां पे देखिए सी का मतलब थ्री एफ का मतलब सिक्स के का मतलब इलेवन आर का मतलब आर का मतलब एटीन ठीक है अब देखिए इसका मतलब क्या होता है देखिए दोस्तों इनके चिन्ह जो है मतलब कि जिस रेशियो से ये बढ़ रहे हैं उसी रेशियो से इसके आगे वाला भी बढ़ेगा सीधा मतलब ये है ठीक है तो ये फोर सेवन ट्वेल्व नाइनटीन यानी कि यहाँ देखा प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन यहाँ देखो प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन ठीक है यहाँ प्लस प्लस थ्री प्लस फाइव और यहाँ प्लस सेवन ठीक है जो नेक्स्ट होगा आप देखें आप छठे क्वेश्चन में ढूंढना है ऐसी चीज़ ढूँढी है उसमें कि जिसमें क्या हो जिसमें इस प्रकार का है, हमारा क्या वो अंतर देखने को मिले ठीक है तो इसमें से अगर हम लेते हैं जैसे पहला वाला है तो देखिए पहला वाला आर है यू है एक्स एक है ए है ठीक है आर यू एक्स ए ठीक है अब देखो देख लेते हैं हम आर जो आता हमारा अगर यहीं पे देखिए पहला जैसे आर यू एक्स ए ठीक है कई बार क्या होता है कई बार हमें ऑप्शन में चुनना पड़ता है ठीक है क्योंकि पैटर्न हमें ऑप्शन में ढूंढना पड़ता है तो आर यू एक्स ए है ठीक है दोस्तों तो मैं यहाँ पे सीधा इनके काउंट लिख देता हूँ आर जो आता है हमारा आर हमारा आता है किस पे आर आता है दोस्तों हमारा अठारह पे ठीक है यू जो आता है हमारा यू जो आता है हमारा इक्कीस पे ये तो ठीक है इतना तो ठीक है एक्स जो आता है हमारा कितने बाद है चौबीस पे ठीक है तो देखिए दोस्तों ये अट्ठारह तीन इक्कीस तीन जबकि पांच होना चाहिए था तो ये हमारा गलत हो गया ठीक है नेक्स्ट जो है दूसरा दूसरे में क्या करना दूसरा है आर यू जेड जी ठीक है तो आर को इक्कीस अठारह सॉरी अठारह यू इक्कीस जेड का छब्बीस और जी का सात तो ये हो सकता है ये अठारह प्लस तीन प्लस पांच प्लस, प्लस, प्लस सात दो तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा यानी कि आर यू जेड जी वाला ऑप्शन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों सेवंथ क्वेश्चन जो सातों क्वेश्चन है ठीक है सातों क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है सातों क्वेश्चन है डी बी सी, ई, ठीक है और आगे है क्यू यू पी आर ठीक है इस प्रकार और आगे जे एल के आई ठीक है दोस्तों इसमें क्या है अब आप सबके काउंट लिख दीजिएगा सबसे पहले हम हर क्वेश्चन में देखिए जो अनुपात रेशियो वाले इस प्रकार के सवाल आते हैं उसमें सबसे पहले हमारा एक पहला काम क्या होगा उसकी जो उसके जो नंबर बनते हैं वो नंबर उसके ऊपर लिख दो ठीक है डी का डी का क्या बनता है फोर ठीक है बी का टू सी का थ्री एफ ई का फाइव ठीक है क्यू का कितना बनता है U का बनता है सत्रह यू का बनता है इक्कीस पी का बनता है पी का क्या बनता है पी का बनता है सिक्सटीन आर का बनता है अठारह ठीक है जे का बनेगा जे का बनता है दोस्तों जे का जो बनता है हमारा दस के का ग्यारह सॉरी एल का बारह के का ग्यारह और आई का नौ ठीक है इस प्रकार से बना दिया हमने अब आपको पैटर्न ढूंढना है ठीक है आप जब ऐसे लिख देते हैं तो पैटर्न तो तुरंत तो मिल जाता है अगर देखें यहां यहाँ तो ये माइनस टू ये टू प्लस वन हो गया और ये माइनस टू ये प्लस टू है सॉरी फोर प्लस टू है और ये टू प्लस वन है और ये फिर माइनस टू है ठीक है यहां देखिए यहां किस प्रकार से है सत्रह इक्कीस सत्रह क्यू जो है हमारा सत्रह पे है यू हमारा इक्कीस पे है ठीक है एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्वेश्चन डी बी सीई क्यू आर पी आर क्यू यू पी आर ठीक है डी बी ठीक है क्यू जो हमारा कितने पे सत्रह पे है क्यू यू दोस्तों एक क्वेश्चन फिर मिस्टेक हो सकता है यहां पे ओ होना था अब देखिए पैटर्न इसी हिसाब से बनेगा ओ जो है उन्नीस पे है पंद्रह पे सॉरी पंद्रह पे ठीक है, है। इस हिसाब से इसका पैटर्न बन सकता था अब देखिए ये हो जाएगा सत्रह माइनस टू तो यानी कि यहाँ पे माइनस हो गए दो घटा है ना इसका जो पैटर्न बनेगा इस हिसाब से बनेगा दोस्तों एक बार हमने पहले ऊपर के नोट करने हैं फिर देखिए फोर माइनस टू यानी कि टू माइनस गया फिर टू प्लस वन हुआ एक जु, जु, जुड़ा फिर थ्री है और टू प्लस टू हुआ ठीक है यानी पहले माइनस टू फिर प्लस वन फिर प्लस टू ठीक है यहाँ क्यू से ओ पे गए तो कितना हुआ सत्रह से पंद्रह पे उतरा यानी कि माइनस टू सत्रह से क्यू से ओ पे तो ये माइनस टू ठीक है और ये ठीक है और फिर माइनस टू फिर प्लस वन और फिर प्लस टू ठीक है और जे के एल एन यानी कि दस बारह ठीक है तो पहले प्लस टू फिर माइनस वन फिर प्लस सॉरी माइनस टू यानी कि इसका अपोजिट ये वाले पैटर्न बनेंगे हमारे ठीक है इसका जो रेशियो बनेगा इसका अपोजिट बनेगा ठीक है अब देखिए आप क्वेश्चन में चेक करना है कि, कि किसका अपोजिट इस प्रकार बनता है ठीक है अब हम एक एक ऑप्शन को लेते हैं पहला जो ऑप्शन है इसका यह डब्लू एक्स वाई वी ठीक है अगर हम इसकी इसके वो लिखते हैं नंबर लिखते हैं तो W को हमारा आता है W तेईस पे ठीक है और एक्स जो आता है हमारा चौबीस पे तो ये है तेईस प्लस पहले प्लस वन हो गए ठीक है तो ये हमारा पहले ही बाहर हो गया ठीक है ये वाला जो ऑप्शन है बाहर हो गया दूसरा जो ऑप्शन की बात करते हैं हम डे हो गए डब्ल्यू वाई वी एक्स ठीक है डब्ल्यू कितने पे है तेईस पे और ये पच्चीस पे ठीक है यानी कि प्लस टू वी यानी कि पच्चीस तो ये पच्चीस पे है और वी जो हमारा कितने पे है बाईस पे तो ये भी बाहर हो गया हमारा ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं वाई डब्लू एक्स यू ठीक है यहाँ वो पैटर्न ढूंढना है इस प्रकार का पैटर्न ठीक है प्लस टू माइनस वन माइनस टू इस प्रकार का हमें पैटर्न ढूंढना है तो वाई वाई का मतलब है पच्चीस और डब्लू का मतलब है डब्लू का मतलब है दोस्तों तेईस ठीक है तो इसमें प्लस टू पहले ही चला माइनस टू हो गए पहले ही लेकिन हमें प्लस टू चाहिए तो ये भी बाहर हो गया ठीक है नेक्स्ट इसका क्या है डब्लू वाई एक्स वी तो देखिए दोस्तों डब्लू है हमारा कौन से नंबर पे तेईस वाई हमारा पच्चीस यानी कि प्लस टू एक्स जो हमारा कौन से नंबर पे एक्स यहाँ पे देखिए एक्स जो है चौबीसवें नंबर है ठीक है तो चौबीस यानी कि माइनस वन और बी जो हमारा है कितने ये पच्चीस पे बी हमारा बाईस पे सॉरी एक्स जो हमारा है चौबीस नंबर पे और बी हमारा बाईस नंबर पे यानी कि माइनस टू तो हमारा ये पैटर्न मैच हो रहा है तो दोस्तों ये इसका जो लास्ट आंसर है लास्ट ऑप्शन है वो सही है ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की क्वेश्चन नंबर एट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर एट में बोल रहा है बी वी एस सी वाई एक्स सॉरी एच एक्स और एम आर सी पी ठीक है एम आर सी पी और इसका हमें क्या करना है नेक्स्ट को ढूंढना है ठीक है तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर एट इसमें एक पैटर्न बनेगा देखिए बी मतलब टू वी मतलब देखिए वी मतलब इक्कीस ठीक है वी इक्कीस एस जो है उन्नीस और सी मतलब थ्री ठीक है वाई जो है हमारा वाई कौन से नंबर पे पच्चीस ई e जो है हमारा कौन से नंबर पर ठीक है और एच जो है हमारा कौन से नंबर पे एच जो है हमारा एच देखिए दोस्तों एच कौन से नंबर पे आठ नंबर पे एक्स जो है हमारा कौन से नंबर पे चौबीस नंबर पे तो दोस्तों आप देखिए यहां पे उल्टा क्रम बन रहा है उल्टा क्रम कैसे बन रहा है देखिए सत्ताईस में से पच्चीस घटाओ दो ठीक है सत्ताईस में से पाँच घटाओ इक्कीस सत्ताईस में से आठ घटाओ उन्नीस सत्ताईस में से चौबीस घटाओ तो सी यानी कि अगर बात करें तो इस प्रकार एक्स जो है वन टू थ्री नीचे सी थ्री एच की बात करें ठीक है तो ऊपर से तो आठ है और सी की बात करें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यानी कि उल्टा बन रहा है तो एम की जगह देखिए एम की जगह क्या आएगा इसी प्रकार से पर दोस्तों इसमें दूसरा पैटर्न लगे सॉरी आगे ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा तो इसमें आप क्या कर सकते हैं देखिए टू ठीक है ये है टू वी जो है इक्कीस पे है सॉरी बाईस पे वी जो हमारा बाईस पे इसलिए पैटर्न गलत बन रहा था ठीक है बी हमारा यहाँ पे कितने पे है बाईस पे तो ये हो गया प्लस बीस ठीक है माइनस वन एस जो है उन्नीस पे है सॉरी ये बी ये बाईस है तो माइनस थ्री ठीक है माइनस थ्री और उन्नीस और तीन के बीच माइनस सोलह और यहाँ इसका उल्टा बन रहा है पच्चीस पाँच ठीक है यानी कि माइनस बीस ठीक है प्लस थ्री और और यहाँ माइनस सोलह तो यहाँ आठ और चौबीस के बीच प्लस सोलह ठीक है अब हमें यहाँ जो देखिए यहाँ जो पैटर्न बना यहाँ उसका उल्टा बना ठीक है तो अब इसका मतलब यहाँ जो पैटर्न बनेगा जो उत्तर होगा इसका उल्टा होगा ठीक है एम और आर यानी एम को अगर बात करते हैं तो एम है हमारा तेरह आर है हमारा अठारह ठीक है सी जो हमारा सी जो है तीन और पी जो है पी है दोस्तों हमारा सोलह ठीक है अब हमें इसका उल्टा देखिए मैं यहां पे फाइव यानी कि ये है प्लस फाइव और अट्ठारह और ये तीन यानी कि माइनस पंद्रह करना है फिर और ती, तीन और सोलह के बीच में प्लस तेरह ठीक है अब जो नेक्स्ट पैटर्न बनेगा वो हमारे इस आधार पर बनेगा माइनस फाइव प्लस फिफ्टीन माइनस तेरह इस आधार पर हमारा नेक्स्ट पैटर्न बनेगा तो नेक्स्ट पैटर्न क्या बन रहा है इस आधार पर बनेगा तो इस आधार पर किस प्रकार से बन रहा है इस आधार पर देखिए अब हमें ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा जिस पे हमारा ऐसा पैटर्न मिले हमें ठीक है तो जैसे पहला ऑप्शन है एनजे एक्स के जे एक्स के ठीक है एन का मतलब है चौदह जे का मतलब है जे का मतलब है दोस्तों एन का मतलब है चौदह जे का मतलब है नाइन सॉरी टेन ठीक है तो ये चौदह और ये एन का मतलब है चौदह और जे का मतलब है दोस्तों दस तो ये माइनस चार है तो ये पहले कैंसिल हो गया दूसरा जो है इसका बी वाला है वो क्या है बी वाला है एल के एक्स एम एल का मतलब है बारह के का मतलब है ग्यारह ठीक है तो ये ग्यारह ये माइनस वन है तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया ठीक है बात करते हैं इसके नेक्स्ट की तो सी वाला तो सी वाला जो है हमारा सी वाले में है एन आई एक्स के एन आई एक्स के तो एन देखिए एन का मतलब है चौदह आई का मतलब है नाइन एक्स का मतलब है चौबीस और के का मतलब है के का मतलब है दोस्तों यहाँ के का मतलब है हमारा ग्यारह ठीक है अब हम पैटर्न देखते हैं प्लस फाइव माइनस फाइव ठीक है यहाँ पे माइनस फाइव बैठा और नो और ये चौबीस ठीक है ये भी प्लस पंद्रह ठीक है और ये तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है कौन सा वाला इसका जो थर्ड ऑप्शन है ये एन आई एक्स के तो ये वाला ऑप्शन जो हमारा सही है अगर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नवा जो क्वेश्चन है हमारा तो दोस्तों ये अगर आप एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम पे जैसे नवा क्वेश्चन है एस एस सी ग्रेजुएशन लेवल दो हजार चौदह का एग्जाम क्वेश्चन है तो दोस्तों मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं अगला ए सी एफ जेड एक्स यू एफ एच जी एफ एच जे ठीक है तो इसमें क्या है विपरीत कर्म है विपरीत क्रम कैसे जैसे ए की बात करें वन ठीक है सी की बात करें थ्री एफ की बात करें तो फाइव ठीक तो है, ये है और इसकी यह है छब्बीस यह है चौबीस और यह है बी जो हमारा है इक्कीस ठीक है तो अगर बात करते हैं हम ये है विपरीत क्रम विपरीत क्रम का मतलब एक आगे से चलना दूसरा पीछे से चलना तो इसके लिए क्या करते हैं एक सताईस में से घटाए घटाया जाता है जो भी दे रखा है तो अगर देखिए जैसे सत्ताईस में से छब्बीस घटाते हैं एक बचता है सताईस में से चौबीस घटाते हैं तो तीन बजता है सत्ताईस में से इक्कीस घटाते हैं तो पाँच बचता है अगर यहाँ पे देखिए एफ जो है हमारा फाइव पे आता है एच जो हमारा है एच हमारा आता है एट पे और जे हमारा आता है कौन से नंबर पर जे हमारा आता है दोस्तों यहाँ पे जे देख लिए दसवें नंबर पे ठीक है तो अब आपको क्या करना है सत्ताईस माइनस फाइव इसी प्रकार सताइस माइनस एट और सताइस माइनस टेन ठीक है या तो यह कीजिए ये कीजिए या उल्टा गिनिए फाइव है वन टू थ्री फोर फाइव यानी कि वी ठीक है सताइस माइनस पच्चीस पाँच का मतलब वही होता है सताइस माइनस पांच का मतलब बाईस ठीक है -5 का मतलब 20, और सताइस माइनस आठ का मतलब है सताइस माइनस आठ का मतलब है दोस्तों उन्नीस तो वन टू थ्री उन्नीस पे देखिए उन्नीस पे क्या है एस ठीक है अगर आठ गिनते हैं नीचे से ये आठ है ना तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है और एस माइनस टेन है सत्रह सत्रह पे जो हमारा अंक आता है दोस्तों सत्रह पे आता है क्यू ठीक है एस बी एस क्यू तो ये इसमें बी एस क्यू हमारा सही है तो वी एस क्यू सो इक्कीस पे क्या है यू है सॉरी दोस्तों इक्कीस पे हमारा सताइस में से पाँच बाईस वी बी एस क्यू सॉरी दोस्तों थोड़ा मिस्टेक होगी ये फाइव नहीं सिक्स है ठीक है इक्कीस में से सिक्स गए तभी तो इक्कीस इक्कीस बचा सताईस में से छः घटाया ठीक है तो ये जो एफ एफ है हमारा सिक्स है तभी थोड़ा मिस्टेक हो रहा है तो सताइस में से छः घटाने तो कितना बचेगा यू बचेगा यू एस क्यू तो यू एस क्यू हमारा सही आंसर है इसका यू एस क्यू दसवें की बात करते हैं हम ठीक है दसवें जो क्वेश्चन है वो है सी डी ई एफ सी डी ई एफ ठीक है यहाँ यू वी डब्ल्यू एक्स ठीक है और यहाँ आई जे के एल और आगे हमें निकालना है तो इसमें भी विपरीत क्रम है आपका विपरीत क्रम में जैसे जैसे मैंने बताया थ्री है ये 4 है 5 है 6 है ठीक है सताइस में से थ्री घटाए ये बचा सताइस में से फोर घटाए ये बचा सताइस में से फाइव घटाए ये बचा सताइस में से सिक्स घटाए ये, ये बचा एक मिनट दोस्तों सी थ्री इसमें थोड़ा उन्होंने उल्टा कर रखा उल्टा कैसे कर रखा है इसको यहां ले रखा है जो इसका सही है थ्री है तो थ्री वाला इधर ले रखा है थ्री माइनस थ्री मतलब सताइस माइनस थ्री इधर है फिर सताइस माइनस फोर ये है फिर सत्ताईस माइनस फाइव ये है और सताइस माइनस सिक्स ये है ठीक है? इस ए, है इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या है आई का मतलब है नाइन जे का मतलब टेन इलेवन और ट्वेल्व ठीक है तो यहाँ जो मान आएगा हमारा सबसे पहले जो लास्ट वाला मान आएगा लास्ट वाला मान आएगा हमारा सताइस माइनस ठीक है, Until, ठीक है? है? सबसे सॉरी सबसे पहला जो मान आएगा सताइस माइनस फिर आएगा सताइस माइनस सताइस माइनस ट्वेल्व कौन सा है दोस्तों सताइस माइनस ट्वेल्व का मतलब है कि यानी कि जो हमारा पंद्रह मान है पंद्रह यानी कि पंद्रह पर देखा जाए तो हमारा ओ है तो ओ पी क्यू आर ठीक है ओ पी क्यू आर यानी कि इसका सी वाला आंसर सही है ठीक है अब हम बात करते हैं इसके चार क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्तों उनको कर लेते हैं देखिए दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर ग्यारह अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं बस उनको कर लेते हैं ग्यारहों जो क्वेश्चन है देखिए इसमें क्या करना है यहीं पे बता देता हूँ मैं ये एन एम के एच ठीक है के को सबसे पहले लिखो ले जाओ एन को सबसे लास्ट में ले जाओ और के को अपनी जगह में ले जाओ बाकी एम और आई की जगह क्या हुई है एम और आई नए हैं हमारे पास तो एम माइनस फोर ठीक है एम माइनस फोर हुआ तो इसी प्रकार से यहाँ यू क्या होगा यू जो हमारा सबसे पीछे चला जाएगा वो हमारा सबसे आगे आ जाएगा ठीक है और आर अपनी जगह रहेगा और टी माइनस फोर हो जाएगा टी माइनस फोर यानी कि टी ट्वेंटी है तो माइनस फोर यानी कि वन टू थ्री फोर ठीक है तो यानी कि अगर बात करें आ, बीस में से छे सॉरी चार गए तो बीस में से चार गए सोलह यानी कि सोलह नंबर पर जो होगा यानी कि पी तो यह हमारा ये है ओ पी आर क्यू ओ पी ओ पी आर क्यू ओ पी आर क्यू तो ये वाला आंसर हमारा सही है ठीक है इसमें देखिए यह क्या है सोशल और ये देखिए इसमें क्या, क्या कर रखा है केवल एस को अपनी जगह से स्थानांतरित करके सबसे लास्ट ले जा रखा है ठीक है तो इसमें भी आप ऐसा करना है ड्राइव से डी को हटा के सबसे लास्ट करना है आपको ठीक है तो ये ये जो ऑप्शन है कौन सा वाला ये वाला आर आई वी ई एन डी ये बन जाएगा ठीक है अगला जो क्वेश्चन है तेरह जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तेरह है इसमें क्या करना है आपको पूरे अंक पलटने हैं पीछे से सुलटा लिखना सी एच ए आई आर ठीक है उसी प्रकार यहाँ एम ए एन जी ओ यानी एम ए एन जी ओ यानी कि मैंगो तो ये वाला ऑप्शन सही है ठीक है ला, लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौदह तो इसमें देखिए ए पी पी आर ठीक है ए पी पी केवल आप इतना देखिए ए पी पी तो ए पी पी लास्ट गया इसका ए पी पी है इसका लास्ट गया यानी कि जो फर्स्ट तीन है इसके लास्ट तीन बन जाते हैं ठीक है तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है इसके फर्स्ट तीन है इसके लास्ट तीन बनाना है यहाँ स्पेलिंग आर से स्पेलिंग जी से शुरू होगी और लास्ट में ये तीन होंगे बी ए आर ठीक है तो बी ए आर किसके लास्ट में है तो बी ए आर हमारा जो है बी वाले ऑप्शन के लास्ट में तो हमारा ये सही हुआ ये वाला ऑप्शन सही है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार रीजनिंग पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर करना ताकि आपके साथ किसी दूसरे की जो अगर जिसकी रीजनिंग वीक है उसका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो सके तो थैंक यू दोस्तों